नमस्कार, मैं दिबांजलि मुल्का। इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे कामयाब स्पिनर में अमित मिश्रा का नाम पहले नंबर पर आता है। अमित मिश्रा एक बार फिर आईपीएल में अपनी फिरकी का जादू बिखेरने के लिए बेचैन बैठे। अमित मिश्रा दिल्ली कैपिटल टीम के अहम खिलाड़ी। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अमित ने अपनी गेंदबाजी और दिल्ली के नए युवा कप्तान ऋषभ पंत के बारे में खुलकर अपनी बात रखी। मिश्रा ने सबसे पहले ऋषभ पंत पर अपनी राय रखी। मिश्रा के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं कि श्रेयस अय्यर की हमें कमी खलेगी, क्योंकि उनकी कप्तानी में हम लोग पिछले साल फाइनल भी खेले, लेकिन मैं इसके लिए बस दुख ही जाहिर कर सकता क्योंकि मैं भी चोटिल हुआ था, तो मैं जानता हूं कि चोटिल होने पर किसी खिलाड़ी की क्या भावनाएं होती। हालांकि इससे युवा कप्तान के रूप में ऋषभ पंत को मौका मिला। उनके पास अपने आप को और बेहतर बल्लेबाज और कप्तान साबित करने का मौका है। ऋषभ के अंदर मैंने जो पिछले 4-5 महीने में बदलाव देखा, उनके अंदर परिपक्वता आई। पिछली बार हम बात भी कर रहे थे वो कैसे अपने अंदर कप्तानी के गुण ला सकते, कैसे वो अपनी बल्लेबाजी में सुधार कर सकते, लेकिन अब वो चीजें उनके अंदर आई। इससे ये पता चलता है कि वो अच्छे के लिए अपने को बदलना चाहते। अब वो काफी धैर्य रखना सीख गए। पहले जब हम बात करते थे तो वो थोड़े में ही बेचैन हो जाते, लेकिन अब उन्होंने धैर्य रखना सीख लिया और ये उनकी बल्लेबाजी में भी दिख रहा। उन्होंने फिटनेस पर भी काम किया, वो काफी अनुशासित भी हुए। जिस तरह से वो भारतीय टीम के लिए मैच विजेता बनकर आए हैं, मैं चाहूंगा कि वैसे ही वो हमारे लिए मैच विजेता बनकर आए। वो अपनी कप्तानी के अंदर हमें इस बार आईपीएल जिताएं और उन्हें हम सबका सहयोग मिलेगा। पंत पर बड़ी बात कहने के बाद अमित मिश्रा ने अपनी गेंदबाजी पर भी बेबाक राय रखी। मिश्रा का मानना है कि कलाई से गेंद को स्पिन कराना एक मुश्किल कला, जिसके लिए काफी प्रैक्टिस के साथ मैच के बुरे पलों में कप्तान के साथ की भी जरूरत होगी। मिश्रा ने आईपीएल से पहले इस खास इंटरव्यू में कहा कि किसी भी लेग स्पिनर को एक अच्छे कप्तान की जरूरत होती। जब गेंदबाज के खिलाफ रन बन रहा होता है तो उसे ऐसा कप्तान चाहिए जो उसका आत्मविश्वास बढ़ा सके। मेरा मतलब ऐसे कप्तान से है जो लेग स्पिनर की मानसिकता को समझ सके। अमित मिश्रा ने भारत के लिए सभी फॉर्मेट में 68 मैच खेले। युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और राहुल चाहर को छोड़कर फिलहाल भारतीय क्रिकेट में कोई अच्छा लेग स्पिनर नहीं। लेग स्पिन गेंदबाजी करने वाले राहुल तेवतिया की पहचान एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर की। मिश्रा से जब पूछा गया कि क्या वो धीमी गेंदबाजी करते हैं तो उन्होंने कहा, मैं लोगों को उनके निष्कर्ष निकालने से नहीं रोक सकता, लेकिन ये मेरी क्षमता का प्रमाण है कि मैं पिछले 13 सीजन से दुनिया की सबसे मुश्किल T20 लीग में खेल रहा हूँ, जो अपने आप में एक उपलब्धि। आपको बताना चाहेंगे कि मिश्रा ने आईपीएल के 150 मैचों में 160 विकेट लिए और वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज की सूची में लसित मलिंगा के बाद दूसरे नंबर पर।